नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ज्योति जतन में तमाम पूजा पाठ करने के बाद भी जीवन में कर्ज की परेशानी बनी रहती है धन की कमी सताती रहती है काम धंधों के विस्तार की योजना बनाते हैं इसके लिए कर्ज भी लेते हैं लेकिन सारी योजना और प्रयास विफल हो जाते हैं इसकी वजह से व्यक्ति कर्ज के जाल में फंस जाता है एक बार कर्ज के जाल में फंसने के बाद निकलना बड़ा मुश्किल होता एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ता है अब आपको ऐसी स्थिति से घबराने की जरूरत नहीं है यदि कोई व्यक्ति कर्ज धन की तंगी गरीबी मान हानि से परेशान है तो हम आपको काली मिर्च और लौंग के ऐसे दो टोटके बता रहे हैं जिसे आप आजमाएंगे तो घर में धन के अपार भंडार भर जाएंगे काली मिर्च और लौंग के ये उपाय जिसे माता लक्ष्मी को मजबूर होकर धन देना ही पड़ेगा इन दो उपायों से घर दुकान व्यापार नौकरी में उन्नति के सारे रास्ते खुल जाएंगे जगह जगह से धन आना शुरू हो जाएगा बस जरूरत है श्रद्धा और विश्वास की तो चलिए जानते हैं लौंग काली मिर्च के उपाय आपको हर हालत में सफलता प्राप्त होगी वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को चालू करें जिससे चैनल के वीडियो आप तक तुरंत पहुंचते रहे सबसे पहला उपाय है सोमवार की शाम को आठ काली मिर्च के दाने और आठ साबुत लौंग को लेकर एक मिट्टी के नए दीपक में कोरे दीपक में बिल्कुल नया दीपक होना चाहिए जो पहले से इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए उस दीपक में आठ काली मिर्च और आठ लौंग को डालकर उस दीपक में सरसों का तेल भर दें फिर ये दीपक रात को अपने शयन कक्ष में सिराने रख दे और सो जाए ध्यान रहे नींद में ये दीपक अपने हाथों से गिर न जाए मंगलवार को सुबह फिर अगले दिन मंगलवार को सुबह सुबह सूर्योदय से पहले पहले ये दीपक सावधानी से लेकर घर से निकले और पीपल के वृक्ष में रख के घर आ जाएं इस दीपक के साथ आपकी सारी परेशानी समस्या चली जाएगी ये प्रयोग इसी तरीके से तीन चार सोमवार तक करते रहें तो अचानक धन की प्राप्ति होती है दूसरा उपाय बड़े बड़े कर्जों से मुक्ति पाने और अपार धन प्राप्त करने के लिए यह कारगर उपाय है मंगलवार के दिन सुबह नित्य क्रम से निवृत्त होकर आप एक चम्मच नमक दस लौंग दस काली मिर्च के दाने एक काला वस्त्र रुमाल वस्त्र या रुमाल और काली डोरी को ले इन सभी सामग्री को एक थाली में रखकर अपने सारे घर में चक्कर लगवाएं ध्यान रहे टॉयलेट बाथरूम में ना ले इस सामग्री को बाद में अपने घर के मंदिर के आगे रख दें सारी सामग्री फिर शांत चित्त होकर हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए अपने मन की मुराद पूर्ण करने की प्रार्थना करें और धन संपत्ति सुख समृद्धि या कोई भी परेशानी कर्ज दुख दर्द शत्रु बाधा को दूर करने की प्रार्थना करें बाद में इस थाली में से सारे लौंग कालीमिष और नमक को काले रंग के कपड़े में बांधकर काली डोरी से बांध दें और पोटली बना लें बाद में इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर बांध दे ये उपाय करते वक्त कुछ सावधानियां रखनी है जैसे आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है पोटली को मुख्य द्वार के अपने घर के अंदर की ओर बांधना है ये उपाय इतना कारगर है कि आप 21 दिनों के बाद स्वयं अंतर महसूस करेंगे चमत्कार महसूस करेंगे धन की तंगी कर्ज जैसी समस्याएं कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगी माता लक्ष्मी धन देने पर मजबूर हो जाएगी और शनि की साढ़े सती शनि राहु केतु के दोष दूर हो जाते हैं इसी के साथ हम आज के वीडियो से विराम लेते हैं जय राम जी की जय माता की